नारद महादेव, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे साथ है मामा लोग जो अभी आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, और सब्जी शादी वाली सब्जियां हैं जो कि शादी में जाएंगी, सब्जियां बनेंगी वहां पर। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे ना, निकल जाएगी दादा, हांडी रगड़ के जाएगा। ऑलरेडी सब्जी वगैरह पहली पैक हो चुके हैं, बस हिसाब किताब करना है थोड़ा बहुत। अभी घर के लिए भी सब्जी लेनी है। मामा लोग कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख रहा हूँ, मंडी सब्जी मंडी सब्जी मंडी भिलाई का, वो भी यहाँ पर बीच बाजार में नाटक हो रहा है। ये होती है असली मजे। सब्जियाँ बहुत सारी हैं कार में, जिस कार से आए ले करके आधा सामान ले चुके हैं। मेरा ऑलरेडी सुबह 6 बजे ऑर्डर हो चुका था। हाँ, मैं जा रहा हूँ बैठ के सामान रखवाने। आराम से रखना टमाटर। ओके, उसका होगा, देखा जाएगा बहू का। देखो सब्जी जैसे बताया था कि ऑलरेडी ऑर्डर थी पूरी, मतलब कि तैयार थी। ठीक, भाइयों और उनकी बहनों, आप जा रहे हैं हम लोग ये क्या खाने? छोले भटूरे। वो नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम सब आ जाओगे। मैं बता दिया ना, लेकिन कोई बात नहीं। छोले को कटोरे में लेके खाने वाले हैं। हाँ भाई, ठीक है। और भाई दही वही मत डाला ना। हाँ, दही वही नहीं, दही वही नहीं। ठंडा है भाई साहब बहुत ज्यादा, और हवा बहुत खराब है। इनको इनका इनका आउटफिट दिखाइए, ये चड्डा में आया है मैं। भाई ठंडी लग रही है मैम, एक मिनट दिखा पूछवा देता हूँ। मामा ठंडी कैसा है? बहुत ही ज्यादा ठंडी मामा, जबकि हुडी पहन करके आए हैं। ये ट्रैक वो पहन, ये हमारे भाई साहब लोअर टी शर्ट, अरे चड्डा टी शर्ट, मामा का चड्डा टी शर्ट पहन के। कुछ नहीं, चटनी तो बिल्कुल मत डालना ना मेरे, हट के 74 हो गए, इतनी ठंडी है। तो कार में आया हूँ मैं, तो बच गया मामा के साथ। ये भी अपर पहन करके आया है, नीचे जीन्स पहन करके आया है। तब भी ठंडी लग रही, फाड़ के घुस रहा है। मैं सोचो इस तरह खड़ा हूँ, ठीक है। और अभी देखो प्लानिंग ये हो रही है कि सब्जी खरीदने के बाद कुछ देर जाना है अपन लोग को। कुछ देर बाद आपकी घी भी बहेगी, हाँ, जहाँ पर पार्टी है, सेलिब्रेशन है, खुशियों की। यहाँ पर बारिश होने वाली है, मुंह बनने वाला है। हाँ, कुछ लोगों का मुंह बनने वाला है। नहीं भैया, जैसे कि रिश्तेदारों में होता है, खुशियों का तो पता नहीं, रात भर जगाए हैं इन लोग और सुबह कान फटने वाला है, ये तो लिखित है। अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से, तो यही वाला है वो सब। जिसको छोले कुलचे खाने हो मुझसे मत बोले, जाके दुकान में खा ले। हाँ, अपना पैसा स्वयं दे ना, या हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग खुद दूसरे के भरोसे आए। इधर देखो ये हमारे सेठ हैं, ये देखिए, हो सकता है थोड़ा सा काला दिख रहा होगा। अगली बार हम लोग आपसे इसी की शादी में मिलेंगे, इसकी शादी का खरीदी ये खुद करने आएगा ना। दोबारा नहीं बुलाने का है। तो रात भर सोने नहीं देता। परसों रात, कल नहीं परसों, अरे सोने नहीं देते, मजाक वो तो अच्छा है कसम से। भाई मैं तो गाड़ फरते उसको देखते भाग गया था। वो ना वो एक लेवल से ना ऊपर तक के बकचोदी करती कि मुंह हम लोगों का बंद हो जाता है। सुनना यही बता, आधी आती ना तो कल वो 2:30 बजे तक हम लोग भी नहीं बैठते, 1 ही बजे भाग गए होते। कब वो भी नीचे नहीं भागते, भाग जाते घर। सब नहीं, सब उसको फोन लगाए, सब तेरे पास ही सोने आ जाते। फोन लगाई थी, बोलते नहीं हम तो सूत गई है, ऐसी कुछ बोला, सूत गई है, जो सूत गई नहीं। हाँ, सूत गई नहीं। तो ऐसा सीन चल रहा था, अभी मामा देखे नहीं, मामा थके हुए थे, जाके सोना पड़ गया उनको, क्योंकि अभी यही सुबह आना था हम लोगों को। अभी बेचारा अकेले सो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मामी के साथ मिलेगा। कहाँ तो वो भी तो बता दीजिए। अरे वो वाला वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। देवरिया में मिलेंगे हम आपसे। अब से एक मामा डायरेक्ट देवरिया पहुँचा रहे हैं। भाई की शादी देवरिया में होगी। अभी मैं छोले कुलचे खा लूं, फिर उसके बाद जाएंगे वहां तक, ठीक है। हम लोग मैं वही बलरामपुर का आता हूँ। हम लोग ना परसों नहीं रुके थे, परसों भी रुकने का प्लानिंग हो रहा था। इतने दिन से काम कर रहा हूँ ना, बॉडी को ना एक ये
मतलब ना अब ने जैसे खत्म होता है ना ये हाँ, प्रोग्राम हाँ, उसके बाद से जो सोऊंगा ना हाँ, जो मतलब सुबह शाम दोपहर रात सब सोऊंगा फिर काम पे नहीं जाऊंगा मैं तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ और तुरंत सो जाऊंगा। और जिसको जिसको पैसा देना है भाई पार्टी के बाद आप लोग को पैसे दो नमस्ते जिम पे पांच रुपए बजे अगर बहुत है मगर ईएमआई का गान फट रहा है मेरा उसके बाद पता है अभी क्या निकाले मेरे बापू बैठ के क्या बोल रहा था कि मार्च में जाएंगे ये जाएंगे भाई अभी मैं यहाँ आया हूँ मारना पड़ेगा मामा को काफी बड़ा एरिया है काफी बड़ा एरिया है यहाँ शादी के लिए बढ़िया स्टेज वगैरह ग्राउंड सब कुछ है कोई स्पेस में कोई कमी नहीं छोटा भाई भी आ गया है यहाँ पर पहुंच गया है कोई तो घर आ रहा है एक ही आदमी अभी कौन कौन रुका नहीं जीवन में बहुत जीवन में हो गए हैं गाइस मोबाइल मेरा डाउन हो चुका है रात को मैंने चार्ज में नहीं लगाया था मैं दो दिन से वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो कि शादी वाले माहौल में वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शादी के वक्त पे भी मैं काम कर सकूँ लेकिन रात को 2 बजे 1 बजे ऐसे सोना हो रहा है 3 बजे तक सोना हो रहा है मैं 3 बजे ऑफिस से लौटा करता था साथ रहा है 3 बजे वो तो बता इधर कर थोड़ा सा अच्छा हाँ मेरे को याद है अभी मैं आप लोग को लोगों बताता हूँ पब्लिक कहीं नहीं जाएगी सब मेरे साथ बनेगी और ये मेरा सेक्सी मैक्सी में सेक्सी ठीक है ये क्या है ख्यालों में रहता है बेटा नहीं है मिस्त्री का हाँ। वो उसको उसकी गांड फटती थी मेरे नाम से ऑटो का सफर कर रहे हैं घर जा रहे हैं ऑटो वाली वेट कर रही है हमारी नहीं दूसरे की आगेंगे मुड़ेंगे घर जा करके और पूरी पब्लिक हमें देख रही है वीडियो बनाते हुए तो ऐसी की तैसी मजा है सबके सब बस भागते हुए नहीं देखा नहीं भागते हुए नहीं देखेगी कोई भी पब्लिक नहीं देखी बस सोच लेना कि हम लोग भाग रहे हैं बस इतना काम अरे महिला मुक्ति सशक्तिकरण बैगन हो जाएगा लड़की ना मरते मरते बची है ब्रेक छोड़ करके पैर से ब्रेक लगा रही है भैया कैसे कर रही थी मामा मामा कैसे कर रही थी मामा अरे वो एकदम से ना मैं बोला पापा की परी तो गई होता पापा अभी ऊपर ही होंगे कौन है रे तू बाड़ू हो अरे चालू करे ना ओ तनी मेरी दोबारा हल्दी हो रही है बुकुआ पोता जा रहा है मुझे दोबारा हल्दी हो रही है मेरी ताकि मैं चमक सकूं और अच्छी ग्रैंड एंट्री ले सकूं अभी जस्ट देखो घर पे बारात मतलब कि गाने वाने बज रहे हैं हम लोग घर आती हैं हम लोग को जल्द से जल्द पहुंचना होता है लेकिन अभी तक हम लोग घर से निकले ही नहीं है ठीक है मैं निकला था कपड़े लेने के लिए तो अभी जस्ट कपड़े लेकर के मैं अभी जस्ट कपड़े लेकर के मैं लौट रहा हूँ मामा के साथ मामा हमारे गाड़ी चला रहे हैं अभी वो भी घर जाएंगे वो भी कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहने थार 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 अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त चलो बैठने वाली भी आई अरे कब लेकर के आ रहे हैं भाई तो खोज रहा हूँ हाँ सोचिए नहीं करिए जल्दी करिए खोज रहा हूँ खोज वही बात है मामा वही चीज आ जाती है बात गाइस अभी आज के दिन है हमारी मौसी की शादी आज ही के दिन है और मैं तैयार हो चुका हूँ बताना मैं कैसा लग रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक मैं पूरा फुल व्यू दिखा दूंगा तो उसका हाँ बोल रहा हूँ तो अभी सब कोई तैयार हो रहे हैं मैं तैयार हो चुका हूँ गाड़ी वगैरह सब आ रही है वीडियो थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए उसके लिए खेद है बताना चाहूंगा कि सारी महिलाएं तैयार हो चुकी हैं लेकिन कुछ महिलाएं रुष्ट होकर के तैयार होने से मना कर रही हैं तो उनको मनाने की
पूरी कोशिश है और साथ में साथ उनको जल्द से जल्द तैयार करके उनको ले जाने की कोशिश में है। तो ये जिम्मा मुझे मामा जी ने सौंपा है कि सबको तैयार करके नीचे पहुंचाओ और जल्द से जल्द उनको मैरिज गार्डन में पहुंचाओ। महिलाओं का काम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। जो काम एक घंटे का हो सकता है उस काम में 3 घंटा लगा सकती है। मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं सुबह से नहाया धोया बिल्कुल भी नहीं था, काम कर रहा था, सोया भी हल्का सोया, सुबह काम किया, पूरे दिन काम नहीं था। वो मैरिज गार्डन में काम था तो वहां पर ऑलरेडी पापा लोग थे, मामा तो लगे ही हुए थे, मेरे को मामा बता ही नहीं रहे थे, और यहाँ से आने जाने के लिए ज्यादा गाड़ी भी नहीं थी, तो इस वजह से कोई मतलब नहीं बन रहा था कि वहां पर मैं जा करके काम करवा सकूं। तो शाम को 5:30 या 6 बजे तक तो मैं बिल्कुल नहाया धोया नहीं था, आधे घंटे में नहाया धोया, फिर तो उसके बाद 10 मिनट में तैयार हो गया। 10 मिनट में तैयार होने के बाद फिर ये इस अटायर में दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? क्या हो गया? अब क्या छूट गया? यहाँ पर मैं वीडियो को जो है ना पॉज करके दिखाता हूँ, ठीक है? है मामा, बस गॉड बन भाई, गच सेटअप था भाई, गच मतलब कि यहाँ पर आकर के इतने लोग मतलब कि भरे पड़े हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ी स्पेस है यार, मजा आ गया। और अभी यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। देख यार, मैं तो यही कहूंगा कि यार जब बड़ा एरिया रहता है ना, बड़ी चीजें मतलब कि एकदम परफेक्टली चीजें चलती है ना, तो मजा आ जाता है ऐसी चीजों को देख करके। और कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे लोगों को देख करके, जो नॉर्मल रिश्तेदारों को सहन नहीं होती है चीजें कि भाई इतना ऐसे कैसे हो गया, ठीक है? इतनी सारी चीजें हुई हैं। सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और सारे लोग घर जा चुके हैं। अभी मंडप वगैरह पे पूजा वगैरह होगी और वहाँ पर फेरे वगैरह होंगे, तो अभी काम बचा हुआ है वहाँ पर। तो अभी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। वहीं पर ही मंडप सजा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर करने वाली चीज़ें ये हैं कि अपन जितने भी खाने वाले प्लेटें हैं वगैरह वगैरह, जितने भी यहाँ पर केटरिंग के जितने भी सामान लगे हैं उसको यहाँ से देखना है कि कितने सामान यहाँ पर लगे थे, कहीं गायब तो नहीं हुए, कोई डैमेज तो नहीं है, ऐसा वैसा। तो सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद ही हम यहाँ से जो है यहाँ से निकलेंगे। कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि पूजा भी स्टार्ट हो जाए। यही सब चीज़ें चल रही हैं।